एमपी में कल सीएम पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान ने लिया तैयारियों का जायजा, कहा ये मेरी जिम्मेदारी। कल दोपहर 2 बजे विष्णुदेव साय लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री लेंगे शपथ। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में तैयारियां फुल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नई सरकार के राज तिलक में जुटेंगे दिग्गज। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा होंगे शामिल। कई राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। कुछ मांगने से बेहतर पसंद करूंगा मरना, भोपाल में बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा दिल्ली नहीं जाऊंगा, एमपी में हूं, एमपी में ही रहूंगा। अलीराजपुर में बोरवेल में गिरा मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। कहां तो मुकाबला 50-50 बोला जा रहा था और कहां बीजेपी के पक्ष में आए नतीजों ने सबको चौंका दिया। लेकिन चौंकाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होने वाला था। बात मुख्यमंत्री की आई तो विधायकों के फोटो सेशन में तीसरी पंक्ति में बैठा एक शख्स बन गया व्यक्ति विशेष। निकल अपने पराए के भेद से, बिना राग बिन द्वेष के कर्तव्य पथ पर बढ़ा चले। चाहे हार हो या जीत हो, जो कभी न भयभीत हो वो नए कीर्तिमान गढ़ा चले। संकट चाहे अपार हो, मुश्किलों से पार हो, जो नई सीढ़ियां चढ़ा चले, आगे आगे बस बढ़ा चले, वही कहलाता है व्यक्ति विशेष। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सियासी क्षितिज पर उभरा वो नाम जो राज्य की 8.5 करोड़ जनता का मुखिया बन चुका है। उस सियासी दल का अगुवा जिसका परचम एक बार फिर से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव सबसे ऊपर शान से लहरा रहा है। 11 दिसंबर 2003 ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास के एक नए अध्याय के प्रारंभ होने का दिवस है। क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान की शानदार धुआंधार पारी की समाप्ति हुई तो दूसरी तरफ देश के हृदय प्रदेश में खिले कमल के फूल के झंडे और विजय अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी को चौंकाते हुए मोहन यादव को सर्वसम्मति से सौंप दी गई। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है, यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। मोहन यादव मध्य प्रदेश की नई विकास गाथा लिखने की कलम अब इन्हीं के हाथों में सौंपी गई है। वैसे तो हर किसी को ये नाम चौंकाता जरूर है, लेकिन ये नाम क्यों आया, कैसे आया, कितना संघर्ष इसके पीछे छिपा है, आइए पहले ये जानते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला बाबा महाकाल की नगरी, जहां 25 मार्च 1965 को पूनम चंद यादव और लीलाबाई यादव के घर पुत्र का जन्म हुआ।
उज्जैन की गीता कॉलोनी में जन्मे मोहन यादव का शुरुआती जीवन संघर्षों में बीता। उज्जैन के मालीपुरा में उनके पिता और चाचा की भजिए की दुकान पर उन्होंने काम किया, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इसी दौरान मोहन यादव का संघ की शाखाओं में आना जाना शुरू हो गया। मोहन यादव बचपन में तैराकी और अखाड़ा जाने का शौक भी रखते थे और अब भी वे खास मौकों पर अखाड़े समेत तलवार और लठ घुमाते भी नजर आते हैं। मोहन यादव बचपन में अभाव जरूर देखा, लेकिन वे शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। पीएचडी कर डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाले मोहन यादव ने पांचवी तक घर के पास शारदा प्राथमिक विद्यालय और फिर आठवीं तक कैलाश भवन माध्यमिक विद्यालय बुधवारिया में पढ़ाई की। इसके बाद नौवीं से ग्यारहवीं तक जीवाजीगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के बाद बीएससी करने के लिए 1982 में वे माधव साइंस महाविद्यालय पहुंच गए। डॉक्टर मोहन यादव जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी बाल्यकाल से ही रहे हैं और उनके मन मस्तिष्क में राष्ट्रवाद भी बाल्यकाल से ही है। इसी कारण हम सब लोग विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़े रहे और जिस प्रकार से सनातन के लिए धर्म रक्षति रक्षिता धर्म का भाव आज भी उनके मन में है और वो लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उस समय का दौर विद्यार्थी परिषद नाम मात्र से चलता था, ज्यादातर विद्यार्थी परिषद को जानते नहीं थे। उस टाइम पे उनने ऐसा मतलब रोल करा, विद्यार्थी परिषद को आगे लेके चले और सीआर बने, सीआर के बाद अध्यक्ष जॉइंट सेक्रेटरी बने, फिर अध्यक्ष बने। बस यही वो वक्त था जब उनके जीवन ने करवट ली और उनका राजनीति में पदार्पण हो गया। कॉलेज में प्रथम वर्ष में ही उन्होंने एबीवीपी से चुनाव लड़ा और सह सचिव बने। दूसरे साल उन्होंने कॉलेज में कांग्रेस के संगठन की यूनियन और पैनल का प्रभुत्व होने के बावजूद इतना प्रभुत्व जमाया कि वे अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद तो उनकी राजनीति को पंख ही लग गए। मोहन यादव का राजनीतिक सफर, माधव साइंस कॉलेज से राजनीति की शुरुआत, एबीवीपी से चुनाव लड़कर सह सचिव बने, अगले साल ही मोहन यादव बने अध्यक्ष, साल 1984 में एबीवीपी के नगर मंत्री बने, 1986 में विभाग प्रमुख बनाए गए, 1988 में एबीवीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बने, 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में स्थान मिला, 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, 2011 से 2013 तक राज्य पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष नियुक्त किए गए, 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए, साल 2018 में इसी सीट से फिर से जीत मिली, 2020 में मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने, 2023 में उज्जैन दक्षिण सीट से फिर से चुनाव जीत गए। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा साल 2008 का भी है, जब बीजेपी ने उन्हें साल 2008 में उज्जैन की बड़नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन विरोध के सुर उठने पर उन्होंने ये टिकट लौटा दिया। उनका यही बढ़प्पन उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मील का पत्थर बन गया और वे सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। अट्ठावन साल की उम्र के डॉक्टर मोहन यादव का पॉलिटिकल करियर 41 साल के करीब का है, लेकिन फिर भी जब मीटिंग में उनके नाम का प्रस्ताव आया तो वे खुद इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाए थे कि वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। ग्यारह दिसंबर 2023,
भोपाल का बीजेपी दफ्तर शाम के 4 बजे कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा था। बाहर कार्यकर्ता मुखिया कौन होगा इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो भीतर पार्टी के दिग्गज नेता मंथन में जुटे थे। बेसब्री नाम को लेकर हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही थी और ठीक 45 मिनट के बाद भीतर से आई खबर सुनकर हर कोई चकित हो गया। विधायक दल का नेता डॉक्टर मोहन यादव को चुन लिया गया और कार्यकर्ता कहने लगे, यही तो है बीजेपी, कार्यकर्ताओं की पार्टी। संघ की पृष्ठभूमि कर्मठ मृदुभाषी जनता के बीच बैठ, ये वो खूबियां हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री का ताज मोहन यादव के सिर पर सजाया है। जैसे ही विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी, हर कोई चौंका जरूर, लेकिन इस मुहर ने एक बात फिर से साफ कर दी और वो ये कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां कोई डायनेस्टी नहीं चलती, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता, मायने रखती है तो कार्यकर्ता की लगन और उसका काम, जिसका इनाम पार्टी कब कैसे दे दे खुद कार्यकर्ता को भी पता नहीं चल पाता। मध्य प्रदेश के नए मुखिया बीजेपी विधायक दल के नेता मोहन यादव खुद भी तब हैरान रह गए जब उनका नाम बैठक में अचानक से मुख्यमंत्री पद के लिए सबके सामने रख दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका नाम पुकारा गया है। सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था, अचानक वहाँ जो घोषणा की है वो मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ऊपर जनता है उन सबके विश्वास में भारतीय जनता पार्टी ने। दिलचस्प ये भी कि लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान ने ही बैठक में मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से समर्थन कर डाला। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। इधर जैसे ही बीजेपी के इस बड़े फैसले की खबर महाकाल की नगरी उज्जैन के उनके गीता कॉलोनी स्थित घर पहुंची, हर तरफ जश्न छा गया। परिवार के सदस्य एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। डॉक्टर मोहन यादव के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बहुत गर्व की बात है उज्जैन सिटी के लिए, एक बेटी के लिए, इससे अच्छी खुशी की और कोई बात हो नहीं सकती है भैया। इससे खुशी की बात आज तक कभी सुनी भी नहीं है। बहुत खुशी हुई, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, इतनी खुशी हुई सबको। बहुत मेहनत करी, मेहनत का फल महाकाल बाबा ने दिया है। भैया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बन जाए, पर माता की मेहरबानी मेहरबानी। भाग्य भगवान की शुक्रिया है, उत्तर प्रदेश के निवासी उज्जैन में जाके शादी करते हैं, कौन जाता है जहाँ शादी करने। जाहिर है एक पिता के लिए इससे बड़ा गर्व का क्षण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब उनका बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है, प्रदेश की कमान संभालने जा रहा है। कहते हैं कि राजगद्दी सिर्फ शक्तियां ही साथ लेकर नहीं आती,
उसके साथ साथ आती हैं जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी। कुछ ऐसी ही चुनौतियां सूबे के नए मुखिया बनने जा रहे डॉक्टर मोहन यादव के सामने भी मुंह बाए खड़ी होंगी, और शपथ के साथ ही उनके सामने होगा चुनौतियों का अग्निपथ। कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव जीतने के साथ ही दूसरे चुनाव की तैयारियों में भी तभी से जुट जाती है। 2023 के चुनाव को फतह करने के पहले ही 2024 के लिए बीजेपी ने जमावट कर ली है। लेकिन साथ साथ मध्य प्रदेश में अगले 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव 2028 के लिए भी बीजेपी की जमावट हो चुकी है। 3 बार के विधायक डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के निवासी है। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है, जिनमें उनकी पत्नी, 2 बेटे, 1 डॉक्टर बिटिया के साथ ही उनके पिता, बड़े भाई, बहन के अलावा चाचा और चचेरे भाई साथ रहते हैं। यानी डॉक्टर मोहन यादव बखूबी समझते हैं संयुक्त परिवार की ताकत को। प्रदेश के साथ साथ संगठन को भी वे एक संयुक्त परिवार की तरह साथ लेकर चलें, ये उनके लिए काफी अहम होगा। मोहन यादव को कमान उस वक्त सौंपी गई है जब सीएम पद की रेस में कई सारे दावेदार थे। ये सारे दावेदार दिग्गज चेहरे थे, जिनमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का था, तो दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा का नाम भी लिस्ट में बताया गया। लेकिन नाम आया डॉक्टर मोहन यादव का, जो सबसे चौंकाने वाला था। ऐसे में उन्हें राजनीति के इन सभी मंझे हुए खिलाड़ियों का साथ बेहद जरूरी होगा। हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का आभार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, गृहमंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, ये सारे वरिष्ठों का आशीर्वाद है। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का काम छूटा है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़ाएंगे। दरअसल मोहन यादव को एमपी में चेहरा बनाने के पीछे एक कारण 2024 का चुनाव भी कहा जा रहा है, जिसमें बीजेपी मध्य प्रदेश के साथ ही यूपी और बिहार के यादव वोट बैंक को अपने खाते में लाने की चाहत रखती है। यानी यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव के सामने मोहन यादव का चेहरा खड़ा करने की तैयारी है। जाहिर है इस लिहाज से भी बीजेपी की मोहन यादव से कई उम्मीदें रहने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे, उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, डबल इंजन की सरकार चलेगी। मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती अपनी अलग पहचान बनाने की भी होगी, क्योंकि उनके पहले बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, मसलन लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना। इसी के चलते शिवराज पांव पांव वाले भैया से प्रदेश के मामा तक कहलाने लगे। जाहिर है अब डॉक्टर मोहन यादव को शिवराज से भी बड़ी लकीर खींचनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार मानता हूँ। आगे क्या सर रहेगा आपके प्लान को लेकर के? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के काम को आगे बढ़ाना, और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने जो काम छोड़ा था उसको आगे बढ़ाना। कुल मिलाकर व्यक्ति विशेष मध्य प्रदेश की कमान संभालने जा रहे डॉक्टर मोहन यादव को कुर्सी संभालते ही कई चुनौतियों से पार पाना होगा, और जैसे ही वे शपथ लेंगे वे अग्निपथ पर बढ़ चलेंगे। मध्य प्रदेश में शिव के बाद अब मोहन युग की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान ने
कई सालों तक मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं सीएम शिवराज ने बनाई और उनको लागू किया, और इन योजनाओं के दम पर बीजेपी लगातार चुनाव भी जीती और लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचने का काम भी शिवराज सिंह चौहान ने किया। अब मोहन यादव जब मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि इसी तरह इन योजनाओं का संचालन करते रहना, और इसके साथ साथ जो जनता ने भरोसा जताया है, आलाकमान ने भरोसा जताया है, उस पर पूरी तरह से खरा उतरना। बड़ी चुनौती यह है कि कुछ महीने में अब लोकसभा के चुनाव भी सामने हैं, इस लिहाज से भी सरकार का जो कामकाज है वो बेहद मायने रखने वाला है, और कई दिग्गज जो हैं वो इस पूरी सरकार के साथ रहने वाले हैं, जिसमें प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं के जो नाम हैं वो शामिल हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में नई सरकार यानी कि मोहन यादव मुख्यमंत्री होते हुए किस तरह से काम करते हैं और अपनी क्या छवि लेकर अब जनता के बीच वो आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।